जय माता दी। मदन अग्रवाल जी जम्मू वाले नेचुरल वेजिटेबल थेरेपी पे काम करते हैं। नेचुरल वेजिटेबल आपको बताते हैं सब्जियों से आपकी सेहत कैसे ठीक रहेगी। हमने आपको बहुत से एपिसोड आपको बताए हैं जिसमें हम सब्जियों से, और जो सब्जियों को हम बाहर फेंकते हैं सब्जियों से ज्यादा उन चीजों से ज्यादा फायदा है। मदन अग्रवाल जी जम्मू वाले, जिंदगी में बहुत सा लंबा अनुभव और तजर्बा है, नेचुरल वेजिटेबल पे थेरेपी पे काम करते हैं। हम आज आपको जो हमारे छोटे बच्चे बच्चियां 8 साल से लेके 20 साल तक जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिनकी सब्जी बनाने से, उनको खिलाने से बच्चों की हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा फायदा, वो जो सब्जी है उसका छिलका जो है उसको खाने से पहला फायदा आपको क्या होगा? पहला फायदा आपको ये होगा कि उसके छिलके के अंदर इतनी ताकत है, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर, जो लोग बड़ी बड़ी चीजें खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, इस छिलके के अंदर उससे ज्यादा ताकत है। आज हम आपको जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, और मेरी फिर हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, उतना आप लोगों को मैं और बता पाऊंगा, आपको मेरे कमेंट मिल सकते हैं। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कह रहा। आज हम आपको, इसको कद्दू कहते हैं, इसकी सब्जी तो बनती है, हम आज कद्दू के छिलके की सब्जी बना रहे हैं आपको। ये ऊपर का जो छिलका है, जे हमने ये कद्दू निकाला, इसको छीला, इसको छीलने के बाद हमने ये निकाला जो इसका ऊपर का हिस्सा जो आप बाहर फेंकते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं इसकी सब्जी खाने से उनकी बीमारियों को रोकती है। इसकी सब्जी खाने से आपके बच्चों की जो 8 साल से 20 साल तक जिनकी हाइट छोटी रहती है, जिनकी कद नहीं बढ़ता, उसके लिए है। इसकी सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनेगी, इसके ऊपर के छिलके उतारने हैं, अच्छी तरह इनको धोना है, उसके बाद लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, अदरक लहसुन प्याज टमाटर दही, तेज मसाले खाते हैं तो तेज, कम खाते हैं तो कम, जैसा मन चाहे इसकी सब्जी बना के अपने बच्चों को खिलाएं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, कोई चीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाए। ये मदन अग्रवाल जी जम्मू वालों का सब्जियों पे तजर्बा है। ये कद्दू है जो आपको आपके शहर में 5 रुपए किलो भी मिल जाएगा, 10 रुपए किलो भी मिल जाएगा, इसकी सब्जी अलग बनाओ, इसकी जो वेस्टेज है इसकी सब्जी अलग बनाओ। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जिनकी हड्डियां कमजोर है बड़ों की, जिनको ताकत नहीं मिलती, उसके लिए एक बहुत फायदेमंद चीज है। मैंने आपको पिछले अंक में बताया था, आपने देखा होगा कि हमने मटर के छिलके के बारे में बताया था। आज मैं आपको कद्दू के ऊपर के छिलके को जो बाहर फेंकते हो उसके बारे में बता रहा हूं, और इसका कुछ नहीं है, इसका छिलका उतारना है, इसकी सब्जी अलग बनाओ, इसका रायता भी बनता है, इसका कड़ा हलवा भी बनता है, इसकी चटनी भी बनती है, पर इस छिलके को खाने से बच्चों की हाइट बढ़ेगी। हमारे जैसे उम्र के बच्चों को, इसको बड़ों को खाने से उनकी ताकत आएगी, और बीमारियों की लड़ने की शक्ति देता है। जे फेंकने वाली चीज नहीं है, जे ये बहुत कीमती चीज है। मदन अग्रवाल जी का तजर्बा है, मैंने आपको पिछली बार भी आपको बताया था, जो तेल हम देते हैं, अगर कोई भी हिंदुस्तान में डॉक्टर, आर्थो का डॉक्टर जिसके पास
कम से कम मरीज आते हैं। जो नया डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके पास दर्दों के मरीज आते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक डॉक्टर साहब को कहता हूं कि जिनके पास 10 मरीज आते हैं, वो अगर हमारा ओनिसिम पेन ऑयल शिव्या हेल्थ केयर का बना हुआ एक मरीज को दे देंगे और उसको लगाना कैसे हमारे YouTube में देख लेंगे, तो 1-10 दिन के बाद उस डॉक्टर साहब के पास मरीज की लाइन लग जाएगी। वो डॉक्टर साहब को पूछेंगे ये तेल आप कहां से लाए हो, और मेरी बार बार विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे तेल के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे को दो चीजों की महारत है, एक दर्दों का तेल और एक शुगर की दवाई। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि शुगर की जो दवाई है वो खाने से आपकी टांगों में ताकत आएगी। जो दर्दों का तेल है दिन में 3 बार लगाना है आपको, अगर किसी ने मंगाना होगा तो शिव्या हेल्थ केयर के Amazon पे उनका फोन नंबर भी है 8082065500, उनकी वेबसाइट भी है www.shivyahealthcare.com। आपसे मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि मदन अग्रवाल जी को जरूर सुनो और लोगों को बताओ, और हमारा अगला वीडियो आएगा उससे पहले आपको हमारा आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आप हमें लाइक करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे मैं उतने ज्यादा वीडियो बताऊंगा। ये आज का मेरा वीडियो यही है, इस कद्दू के छिलके को जिसको हम बाहर फेंकते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की हाइट बढ़ाने की ताकत है। जय माता दी।